हमारे साथ प्रशांत भी है। मॉर्निंग प्रशांत, आपकी क्या रणनीति होगी, आप भी क्या सैलून राइज के साथ जाएंगे? मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों का नमस्कार। सो पिछले सोमवार हम जब मिले थे तब मैंने कहा था कि हम 16780 के नीचे बेचेंगे। जब काफी लोगों ने फिर पूछा आप 16900 पे क्यों नहीं बेच रहे, तो जैसे ही 16780 आया उसके बाद इट फेल लाइक 9 pins और उसी के साथ जो टाइटन भी हमने बात किया था वैसे ही गिरा था। आज जैसे बिल्कुल राहुल जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आए, अगर हम 16450-600 के जोन में जाए तो बहुत अच्छा वो शॉर्टिंग जोन हो जाएगा। ये मार्केट बाइंग मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको याद है करीबन एक डेढ़ महीने पहले इसी शो पे मैंने और रुद्र जी ने कहा था कि 15800 निफ्टी में आ सकता है। वी वर द फर्स्ट पैनलिस्ट टू से दैट एंड बिल्कुल वो नंबर आया था। तो इस बार इस महीने में मुझे लग रहा है कि हम करीबन 15800 भी ब्रेक करके 15400 देख सकते हैं बिल्कुल। बट उसके लिए एक अगर रैली आए 16500-16600 तो वो अच्छी रहेगी, या फिर हमें निफ्टी शॉर्ट करनी चाहिए बिलो 16180 इन मे फ्यूचर, यानी 16200 ब्रेक होने के बाद। तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच जोन होगा। लॉन्ग्स की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट और वी आर फार अवे फ्रॉम द बॉटम फॉर्मेशन। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बिल्कुल जैसे राहुल जी ने कहा कि 34000 एक अहम सपोर्ट है, इसलिए जो मेरी शॉर्ट ट्रेड होगी वो बिलो 33950 होगी। स्टॉप लॉस में रखूंगा 34150 का और टारगेट मुझे दिख रहा है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए हम स्ट्रेट 33350 से लेके 33300 तक भी नोज डाइव कर सकते हैं। तो दोनों ही सेक्टर्स वीक है, बट अगर एक छोटा पुल बैक आए 16400-600 के जोन में तो वो बहुत अच्छा शॉर्टिंग जोन हो सकता है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, आपके क्विकली कॉल्स और साथ ही उनमें से कॉल ऑफ द डे। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि एक वीक मार्केट है बट इसमें कुछ स्टॉक्स है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से जहां हम लॉन्ग्स बना सकते हैं। तो मेरी एक लॉन्ग ट्रेड होगी और दो शॉर्ट ट्रेड्स होंगे। लॉन्ग ट्रेड मेरी होगी गोकालदास एक्सपोर्ट्स में। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छा साइजेबल ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है, वो भी इस मार्केट में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसमें डेफिनेटली मैं निवेश करना चाहूंगा। ये स्टॉक करीबन 475 पे क्लोज हुआ था, तो मेरे हिसाब से अगर एक वीक ओपनिंग की वजह से हमें ये नीचे मिल जाए 465-460 की रेंज में तो इसे बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बिलो 430। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से हमें करीबन 530 से 540 तक के टारगेट दे सकता है। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, इसलिए मेरा फर्स्ट पिक यही होगा। सेकेंड पिक जो मेरा होगा वो बहुत सिमिलर चार्ट पैटर्न है जैसे पिछले मंडे हमने टाइटन की बात की थी, और वो है वोल्टास। सो वोल्टास को मैं शॉर्ट करना चाहूंगा बिलो 1040 1040 के नीचे, और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1070 के ऊपर। टारगेट मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रेट 950 तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 1:3 है। और जो मेरी लास्ट पिक होगी वो होगी कि हम बजाज फिनांस, जैसे कि अभी रुद्र जी ने कहा ये स्पेस बहुत वीक है, तो बजाज फिनांस को हम शॉर्ट करेंगे बिलो 5980 और स्टॉप लॉस में रखूंगा इसमें 6100 का। टारगेट मुझे ये स्ट्रेट दिख रहा है कि 5500 तक जा सकता है। बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये ट्रेड मैं डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहूंगा और मेरी कॉल ऑफ द डे भी बजाज फिनांस में शॉर्ट ही होगी। ऑलराइट, ठीक है। सो ये सारी कॉल्स रहेंगी प्रशांत की तरफ से, तो मेजरली हमारे पास सेल कॉल्स आती हुई, लेकिन ईटी अवार्ड से हमारे को बहुत सारा एक्शन। एनीवेज, आप स्टील काउंटर्स को इस समय कैसे देख रहे हैं प्रशांत? जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, टाटा स्टील फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये जो मंदी वाला माहौल है ना स्लो डाउन का, ये मेटल काउंटर्स पे थोड़ा सा दबाव डाल रहा है, आप चार्ट से बताएं। जी अजय जी, मैं जब कंपेयर करता हूँ तो टाटा स्टील एक कंसोलिडेशन जोन में है जहां पे वेट एंड वॉच देखना होगा, और जहां तक जिंदाल स्टील की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इस पूरे पैक में सबसे स्ट्रांग मूव दे चुका है पिछले दो महीनों में, तो स्पेसिफिक टू दैट स्टॉक बात करूंगा, क्योंकि अगर सेक्टर में सबसे स्ट्रांगेस्ट स्टॉक क्या कर रहा है उसी के बेसिस पे नॉर्मली सेक्टर मूव होगा। तो उसके लिए करीबन 495 बहुत अहम सपोर्ट है। करीबन हम अभी 500-505 की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सेलिंग में कई वॉल्यूम्स दिखे नहीं है, तो अगर इसमें हमें एक 500 या 495 के रेंज में बाउंस मिल जाए तो हम एक छोटे 485 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक हम इसलिए बाय नहीं कर रहे कि यहाँ से ये उछाल लेगा, हम ये बाय इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया है, रिस्क बहुत छोटी है और ये स्टॉक स्ट्रांग है। उसी के सामने मैं जब बाकी स्टॉक्स इस सेक्टर में कंपेयर करूं जैसे कि सेल है या टाटा स्टील है, तो ये थोड़े कंसोलिडेशन जोन में या थोड़े वीकर साइड पे दिख रहे हैं। तो इस पूरे पैक में मेरा जो ध्यान होगा वो जिंदाल स्टील पे ही होगा। अगर वो बाउंस दे दे 495-500 रेंज से तो मैं एक छोटे स्टॉप लॉस से इसमें स्मॉल पोजीशन बाय करना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी जो सारे स्टॉक्स है उसको मैं थोड़ा सा फिलहाल अवॉइड करूंगा। कैसी दिख रही है ओपनिंग आपको प्रशांत?
प्रियंका, ओपनिंग में फिलहाल जो निफ्टी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो 16200 फ्यूचर्स पे होल्ड हुआ है और मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने जो शॉर्ट दिया था वो 16180 के नीचे दिया था कि अगर 200 ब्रेक हो जाए तो बहुत जल्द हमें मूव मिल सकती है। बट जहां मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो बजाज फाइनेंस जो हमारी पिक थी कि 5980 के नीचे बेचेंगे तो इसका हाई बना 5970, इसने स्ट्रेट 100 पॉइंट मूव दी है। ये पूरा सेक्टर मुझे वीक लग रहा है और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल बहुत ही आपको चुनिंदा शेयरों में ही लॉन्ग बनाने चाहिए, जैसे कि पावर सेक्टर हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर था। बाकी कोई भी स्टॉक गिर रहा है इसलिए उन्हें बाय नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट फॉर अ बॉटम टू बी फॉर्म। अगर 16600 तक एक रैली आए, रिलीफ रैली, तो मेरे हिसाब से आपके जो भी स्टॉक्स प्रॉफिट में हो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे कोई रिकवरी नहीं दिख रही है, ये भी एक न्यू रिलीफ रैली होगी टू सेल और यहाँ से हम डेफिनेटली जैसे मैंने सुबह कहा था 15700-15400 रेंज में जा सकते हैं। तो अगर कोई रैली मिले प्लीज बुक प्रॉफिट्स। तो कई सारे स्टॉक्स यहाँ पुलबैक दिखा रहे हैं प्रशांत, मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में कैसा एक्शन दिख रहा है आपको? प्रियंका, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जैसे कि हमने पिछले एक सवा डेढ़ साल से देखा हुआ है काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, यहाँ पे काफी दिनों से करेक्शन आया नहीं है जो फ्रंटलाइनर्स में आ रहा था। तो मुझे लग रहा है इस डिप के साथ जो भी मार्केट में एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ हमें जो काफी अच्छे परफॉर्मिंग मिड एंड स्मॉल कैप्स है वो अच्छे रेट्स में मिल सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज एन एरिया जहाँ पे हमें जिसे कहते हैं कि शॉपिंग करनी चाहिए, तो वहां पे डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट रहेगा। जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जैसे HBL पावर है जो करीबन 81-82 के रेंज में चल रहा है, मैं डेफिनेटली इसमें हर डिप बाय करना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस बिलो 70 रुपीज। मुझे लग रहा है ये स्टॉक पिछले अगले एक साल के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है और इसके जो पैटर्न्स हैं मंथली चार्ट पे बने हुए विथ वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे चुनिंदा जो शेयर्स हैं उनमें डेफिनेटली बाइंग के मौके बन रहे हैं और वो हमें सिलेक्ट करके बाय करने चाहिए। तो अभी के लिए इस बेसिस पे मेरा एक डेफिनेटली पिक रहेगा HBL पावर में। कोई ऐसा शेयर जो आपने चुना हो प्रशांत या भी आपने देखा हो? डिम्पी जी, एक शेयर जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जिसके बारे में पिछली बार भी मैंने बात की थी, RIIL। वो एक वीक मार्केट में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट थोड़ा सा वेट करना चाहिए। करीबन अभी ये 1060-70-75 के रेंज में चल रहा है, ये 1100 क्रॉस कर दे डेफिनेटली इसमें निवेश किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1045 और टारगेट रखेंगे 1250 का। तो थोड़ा वेट करके मुझे लग रहा है एक अगर रैली आए जो मुझे लग रहा है कि 16450-600 की रेंज तक आ सकती है तो ये स्टॉक हमें एक अच्छी मूव दे सकता है। तो ये डेफिनेटली मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट में रहेगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है, तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए प्रशांत को लगता है। प्रशांत, आपका कोई डिस्क्लोजर? जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा मैंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है। HUL लेना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज सारे एक्सपर्ट्स का, समय दिया आपने और अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमसे शेयर की, बाजार पर अपना नजरिया हमसे शेयर किया।